And that goes to show that there is a list of sexual harassment and rape cases. And there's an old case which is against Mr. Rahul Gandhi himself, which was a 2007 case, Sukanya rape case. Then IT cell person, Mr. Chirag, who has now been arrested. Bhavri Devi Khan, Bhavri Khan, Tandoor case. I don't want to get into the comments like Tanj Mahal and things which their leaders have made in the past. And Shri Prakash Jaiswal, Neelmani Sen. I mean, the list is just goes on and on. Abhijit Mukherjee. So Dharamveer Gopal from Haryana. So all I want to say is that a serious thing like Beti Bachao, Beti Padhao under these circumstances cannot be mocked at. Mitro, main aapke madhyam se pure desh ko ye batana chahati hu ki Beti Bachao, Beti Padhao ek bahut hi serious abhiyan hai jis abhiyan ke antargat mahilaon ko maan samman aur suraksha ke vishay par samaj ko jagruk karke kaam aage badhane ki baat hai. और महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई जाए ऐसी निर्णायक भूमिका सरकार अदा कर रही है. और यहाँ तक कि फीमेल फीटिसाइड की अगर आप नंबर्स देखें तो आप पाएंगे कि जो राज्य पहले बहुत ही खराब हालत में थे वहाँ पे 142-143 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इन सब समस्या से बाहर आए हैं और संख्या में वृद्धि हुई है. और इसलिए हुई है कि सरकार इन विषयों को बहुत ही संजीदगी से ले रही है और बहुत सेंसिटिव तरीके से इन मैटर्स को हैंडल कर रही है. लेकिन जब इन मैटर्स को इतनी सीरियसली और सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जा रहा है उस समय पर ऐसे अभियान का मजाक उड़ाना मखौल उड़ाना राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देता जिनका अपना और उनकी पार्टी का इतिहास जो है वो पूरे देश के सामने है. अभी 20 अक्टूबर को ओमान चांडी के खिलाफ जो है रेप के केस को दर्ज किया गया है. और ये 2012 में एक महिला और उनके साथी जिनके ऊपर सोलर स्कैम का केस बना था कि सस्ते दामों पर लोगों को सोलर स्कैम उपलब्ध कराया जाएगा और वो कमीशन भी बनाया गया उस समय की यूडीएफ की सरकार ने उसको लेकर एक कमीशन बनाया. और जब वो कमीशन बना तो उस कमीशन में सामने आया कि तकरीबन 2000 पन्नों का वो रिपोर्ट दाखिल हुई और वो रिपोर्ट 2017 में दाखिल हुई. 2017 में जब रिपोर्ट दाखिल हुई तो उस रिपोर्ट के खिलाफ चैंडी साहब जो हैं हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने कहा कि जो चिट्ठी उसमें महिला की है उस विक्टिम महिला की चिट्ठी को अलग किया जाए दो मामलों को अलग किया जाए. लेकिन ओमान चांडी जी ने इसको अपनी विक्ट्री के रूप में दिखाने की जताने की कोशिश की कि वो जीत गए जबकि ये कहा गया था कि जो रेप चार्जेस हैं वो अलग हैं और जो स्कैम के चार्जेस हैं वो अलग हैं. चार लोग जो कि ओमान चांडी जी के बहुत ही क्लोज सर्किट वाले थे जो कि बहुत नजदीकी उनके काम करते थे जिसमें टेमी जोपान जिकू मोन जेकॉन सालिम राज जो कि गनमैन था और कुरुविला इन चारों लोगों का नाम आया. ये खास चांडी जी के स्टाफ के लोग थे लेकिन डायरेक्ट चांडी जी के बारे में कोई एविडेंस नहीं एविडेंस की कमी के कारण उनका नाम सोलर स्कैम से हटाया गया. लेकिन महिला की जो बाकी एलिगेशंस थी उसको कोर्ट ने कहा कि अलग रखें. उसी विषय को अलग करते हुए अब की जो सीपीआईएम की सरकार है उसने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री और केसी वेणुगोपाल जो पूर्व मंत्री हैं उन दोनों के खिलाफ जो है रेप केस दर्ज किया है. और रेप केस दर्ज होने के बाद ऐसी तमाम चीजें सामने आई हैं जिसमें आईटी सेल के चिराग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के खुद काम करने वाले हैं भवरी कांड है और हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं राहुल गांधी जी का खुद का नाम है. ऐसे तमाम केसेस हैं जिसके अंदर जो है कांग्रेस के नेताओं को लिप्त पाया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेके तमाम इस तरीके के ऑफेंसेस में. आपके माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जहां पे भी महिलाओं के विषयों की बात हो
वो सेंसिटिवली हैंडल होनी चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल उसमें इनसेंसिटिविटी ना दिखाए और केस आधारित और एविडेंस आधारित बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Any questions related to this? Welcome. देखिए, मैं वापस आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कुछ हफ्ते पहले मैंने इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि जब भी दाम की बात आती है तो केंद्र सरकार को केवल एक्साइज ड्यूटी मिलती है जो कि लीटर के हिसाब से मिलती है। उसमें पैसे के बढ़ने घटने के साथ, दाम घटने बढ़ने के साथ उसका लाभ या कुछ केंद्र सरकार को नहीं मिलता। और जो भी केंद्र सरकार को 19 रुपया अगर प्राप्त होता था तो उन्होंने घटाकर अपना 17 कर दिया और 17.5, और उसके जो पैसे हैं उसका भी 42% जो है दिल्ली सरकार या अन्य राज्य सरकारों को जाता है। लेकिन वैट जो है दिल्ली के अंदर 27% है और वो 27% सीधे तौर पर राज्य सरकार को जाता है। 27% भी जाए क्योंकि राज्य ने भी अपना काम करना है, लेकिन जब कीमत बढ़ती है, डॉलर और रुपये का आकलन में फर्क आता है, तो उसमें एक्स्ट्रा जो डिफरेंशियल है वो 27% के ऊपर उनको वो पैसा भी मिलता है। इसलिए मेरा उस समय भी आग्रह था, आज भी मैं आग्रह कर रही हूं कि दिल्ली हो या अन्य जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, वो लोगों ने अपने दाम वैट के माध्यम से कुछ भी कम नहीं किए हैं। 27% भी लेते रहे तो जो डॉलर रुपए की कीमत बढ़ने से उनको एक्स्ट्रा लाभ मिला है, कम से कम वही जनता को दे दें, क्योंकि उनका परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड है। और आज भी जनता को लाभ ना देकर उसका एक्स्ट्रा लाभ खुद लेकर जो दिल्ली की सरकार है वो जनता की मदद नहीं कर रही है बल्कि जनता का नुकसान कर रही है। और जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो भी परेशान है क्योंकि उनकी सेल कम हुई है और ज्यादातर लोग एनसीआर से पेट्रोल भरवा रहे हैं दिल्ली के आसपास से। तो ये कहना, भाजपा के ऊपर इल्जाम लगाना तो गलत होगा। अपने हिस्से का काम करें अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो लगातार काम से भाग रहे हैं। सो मिस्टर खुर्शीद इज नो डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल। एजेंडा सीम्स टू बी कीपिंग बीजेपी आउट, बट नो प्रो गवर्नमेंट एजेंडा इज वॉट मिस्टर खुर्शीद इज फॉलोइंग। मिस्टर खुर्शीद नीड्स टू आंसर वॉट हैपन्ड व्हेन दे वर इन पावर एंड वॉट काइंड ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स टू द इकोनॉमिक बेनिफिट दे ब्रॉट फॉर द कंट्री, विच ही इज नॉट एबल टू आंसर, एंड वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ महा गठबंधन। लाइक यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन हैविंग अ एडजस्टमेंट फॉर द सेक ऑफ एडजस्टमेंट। आप मुस्लिम लीग के साथ भी बैठ जाएंगे और फिर मंदिर के चक्कर लगाएंगे। खुर्शीद साहब ये जवाब देना कि वो दक्षिण भारत के अंदर एमआईएम से लेकर मुस्लिम लीग के साथ जो है गठबंधन कर सकते हैं क्योंकि भाजपा को बाहर रखना है, लेकिन वहीं राहुल गांधी मध्य प्रदेश जाकर मंदिर के चक्कर लगा सकते हैं। ये उनकी राजनीति होगी, लेकिन देश मुझे लगता है ये सब बातें बहुत अच्छी तरह समझता है। मेरे को इसकी डिटेल मालूम नहीं है और क्योंकि मैटर्स अभी पेंडिंग है इसलिए मैं इस विषय में नहीं बताऊंगी और कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं तो कहती हूं कि आपके पास 70 साल से ज्यादा समय था स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को हथियाने का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महान डिक्लेयर करने का। आपने वो नहीं किया और आपने केवल और केवल गांधी नेहरू परिवार के अलावा जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सबका नाम मिटाने की कोशिश की, और इसके गवाह वो सब लोगों के परिवार है जो खुद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे और उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है कि किस तरीके से इस देश के महान नेतृत्व को पीछे रखने की
भरसक प्रयास किया गया और केवल एक परिवार को बढ़ाया गया और आज शायद यही तथ्य उनके सामने आंख में आंख डाल कर कर तथ्य बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही। कौन कह रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी। आपको क्या उम्मीद है? देखिए, मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि मुझे लगता है कि जो वकील हैं वो वकालत में उनको कई बार तो कोई कई चीजों की डिटेल पता नहीं होती और जो भी कुछ है वो फैक्ट उनको ने खुद ही अपने बयान में कह दिया कि वो पैसा वापस कर दिया गया, यानी जब सब पता चला गया होगा तो लौटा दिया, उसमें क्या बात है? मतलब आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशन में वकीलों के पास कौन लोग आते हैं? उसका जवाब मैं दे चुकी हूं ना, तब अगला सवाल कुछ और है तो पूछिए। लेडीज, विमेन, 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 अरे मी, हाँ देखिए, अगर मैं उनकी बात, पहली बात तो है जो टाइम है वो बताता है कि वो वहां पे इस हादसे के बाद वहां से गई हैं, लेकिन अगर आप तथ्यों को देखें, बहुत ही दुखद घटना है और तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है कि इन्हें खुद संजीदगी से इस विषय को लेना चाहिए। और पहला विषय तो यह है कि उनके सामने जो आयोजक थे वो घोषणा कर रहे थे कि आपको जो क्राउड दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है, 5000 लोग रेलवे ट्रैक पे खड़े हुए, ये आयोजकों की घोषणा है। और मैं इस बात को सिर्फ दो बातें आपको याद दिलाना चाहती हूं। पहला किस्सा तो याद दिलाना चाहती हूं उस समय का जब प्रधानमंत्री नहीं थे और हमारे स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में गए थे और जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो गया था, और उस समय पर उन्होंने बिल्कुल अपना एक ऐसी हिम्मत का परिचय दिया कि वहां खड़े रहे और लोगों को, इतने भारी क्राउड को मैनेज किया समझदारी के साथ और उस पूरे मामले को कंट्रोल किया। दूसरा हादसा अभी कुछ महीने पहले की बात है, बंगाल के अंदर जब वो टेंट गिरने का हुआ तो उन्होंने एसपीजी वालों को कहा कि भाई आप मेरी चिंता छोड़िए, आप पहले जाके वहां पे मदद कीजिए। जब हादसा होता है तो नेता का नेतृत्व तभी दिखाई देता है कि जब अचानक से कोई दुर्घटना हुई आपका रिस्पॉन्स क्या था। तो अगर मैं बड़ी बोल नहीं बोलना चाहती लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूं कि अगर कोई आयोजक मेरी उपस्थिति में ये कहता कि 5000 लोग ट्रेन लाइन पे खड़े हैं तो मैं उसके हाथ से माइक लेके तुरंत कहती कि भाई बाहर निकलो, वहां पे खड़े होने की जगह नहीं है और मुझे ये दिखाने की, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि आप 5000 लोगों को, 10000 लोगों को लाइनों पे खड़ा करोगे, लाइनों से हटो। पहली घोषणा ये होनी चाहिए थी और उसी से नेतृत्व की क्षमता और दुर्घटना के समय पे आपका रिएक्शन लेवल क्या है। आपका रिएक्शन लेवल ये है कि आपको चापलूस लोग पसंद आ रहे हैं, आपकी सोच भी नहीं है कि कोई दुर्घटना भी हो सकती है, ये आपके विषय में ज्यादा बड़ी टिप्पणी होगी। मैं कायदे से ये भाषण नहीं देना चाहती थी लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न उठाया तो मुझे लगता है कि नेतृत्व की क्षमता के आधार पर लोगों का चयन होना चाहिए। देखिए, आज का दिन जो है वो ओमान चैंडी पर कांग्रेस से पूछने का है और अगर उनके डिफेंस में सिंघवी साहब जैसे लोग खड़े होते तो उनसे प्रश्न करने का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक ही रखे तो बेहतर होगा। I'm sorry, ma'am, because the allegations against the director have also come. So there are issues
I don't want people to lose faith in the institutions. I want people to have faith in institutions. Let the whatever mechanism is government takes up the issue, let them take it up, and we'll get back to you on this issue separately. We must get back to you on this issue separately, not to be dealt today. Anup. राहुल गांधी जी से पूछ लिया उन्होंने ये बयान देने से पहले. अभी पी चिदम्बरम साहब कुछ भी कहे ना, राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या कहते हैं वो तो पूछो. देखिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि दो किस्म की रिपोर्ट है. एक रिपोर्ट डायरेक्टर के खिलाफ भी है और एक रिपोर्ट स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ भी है. हम चाहेंगे कि जनता का विश्वास सीबीआई के इंस्टीट्यूशंस में और तमाम इंस्टीट्यूशंस में बरकरार रहे. अभी सरकार इस पे अपना जो भी मत है वो आपके समक्ष रखेगी और इस पर हम आपको बाद में आगाह करेंगे, इसके विषय में बताएंगे, क्योंकि अभी सरसरी तौर पर इतने सीरियस मामलों को नहीं लिया जा सकता. इसके ऊपर अलग से विषय के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए. आज का दिन कांग्रेस पार्टी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जवाब मांगने का है. आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?